Okay, bye-bye. तो चेकआउट कर लिया सुबह के 8:10, सुबह का 8:10 हो रहा है और चेकआउट हम लोगों ने अभी किया। तो अब हम जा रहे हैं पोखरा की तरफ, हमारा कदम पोखरा की तरफ बढ़ रहा है। पोखरा के लिए हम लोगों ने कोई गाड़ी या कोई व्हीकल बुक नहीं किया है, अब हम सीधे जाएंगे बस स्टैंड जाएंगे। ये बस स्टैंड यहाँ से तकरीबन 1.6 किलोमीटर आई थिंक दूर है। वहाँ से सुबह 9 बजे की ट्रेन है, ट्रेन नहीं है बस है, बस। कुछ बोलता है कि तो सुबह 9 बजे का बस है उस बस स्टैंड से, उस बस को हम पकड़ेंगे और सीधा पोखरा जाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने थोड़ा भी ब्रेकफास्ट किया नहीं है और टाइम भी कम है, तो लेट्स डू इट, कितना पॉसिबल हो पाता है देखते हैं। बैग तो काफ़ी भारी है, 9 किलो का पीछे। तो ये जो ब्लॉग है वो है पोखरा का। स्वागत है मेरे चैनल में, इस चैनल का नाम है घुमक्कर दोस्त, या घुमक्कर दोस्त। ठंड तो है, बैग भी भारी है। तो अभी हम एक आए हैं, ये हम नेपाली ढाबा कह सकते हैं, ऑर्डर किया है हमने। होटल यार ढाबा नहीं कहते इंडिया में, पंजाब में कहते ढाबा, इंडिया में कहते हैं वो, इंडिया में ढाबा कहते। तो होटल हम लोग अपने स्टाइल से बात करते हैं। कोल्डिंग मिलता है इसका कितना? 280 है, सेम रेट है। चिकन है ये, फिश है ये।
तो अब अभी हम जाएंगे उस काउंटर से, बुफे सिस्टम टाइप है, सेमी बुफे कह सकते हैं, सेमी बुफे है। जो मेन आइटम है फिश वो सर्व करेंगे, बाकी दाल चावल और बाकी जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो आपको खुद से लेना है। चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। और ये खुद से लेना है। जो मेन आइटम है जैसे फिश है, चिकन है, वो ये सर्व कर देंगे, मेरे तभी दिखा था उनके पास, वो ये सर्व कर देंगे। और जो दाल चावल है वो खुद से लेना है, सर्व कर देंगे दाल चावल। मैनी थैंक्स। तो अपने होटल पहुंच गए हैं, होटल ग्रैंड हॉलिडे। आ जा। ये तो शाहरुख खान का मन्नत की तरह लग रहा है। चल अच्छा हुआ यही आगे खुला, आगे खुला, ऐसे पकड़ लेता हूँ ऊपर बांधूंगा। ये जो मुंह है ना, ये तीसरा हाथ का काम करता है। देखिए जैसे ये जब आपका दोनों हाथ जब बिजी हो तो ये तीसरा हाथ का काम करता है। मुंह का यूज़ कीजिए, मुंह का यूज़ लोग बहुत जगह करते हैं। क्यों चंदन, बहुत जगह किया जाता है मुंह का यूज़। हाँ भैया,
ओके पहले कंफर्म कर लिया कि नहीं, फिर पता चला अगर चेंज हुआ तो पूछ के आ रहे हैं हम लोग बुकिंग का। तो अभी हम जा रहे हैं चेक इन करने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5। अपना चेक इन कंफर्म कर रहे हैं। यू आर हियर? एक्चुअली वी हैव अ बुकिंग। ओके, हाउ डिड यू बुक? यू बुक्ड विद माय ट्रिप? नो, booking.com. Your name is? Praveen Chauhan. Praveen Chauhan? Yeah. Hey. Focus. Focus. Yeah, focus. Mr. Ram? Yeah, I'm on. तो ये है वो होटल, होटल ग्रैंड हॉलीडे, और ये जो है वो लेक से एकदम नज़दीक है, और इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है और रेटिंग्स भी अच्छा था, दैट्स वाई मैंने बुक किया booking.com से। तो आगे का देखते हैं हिसाब किताब, अब जाते हैं उसको। ओके, ओके यहाँ पे भी है। तो ये है अपना रूम, एक रूम हम लोगों ने बुक किया 4 लोगों के लिए। यहाँ पे है 2 बेड और ये है बालकनी। दो बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है, और बाथरूम दिखाऊँ आपको। ये रहा वॉशरूम, काफ़ी साफ सुथरा है, और मैं हमेशा ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ। रूम का सबसे अहम चीज़ है टॉयलेट, टॉयलेट जितना साफ सुथरा होता है रूम उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा मिले। और 2 बेड यहाँ पे है और 1 बेड यहाँ है। तो इस रूम में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या इंक्लूडेड है, उस 1700 रुपये में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले शुरू किया जाए, ये यहाँ पर हेयर ड्रायर है, फिर इलेक्ट्रिक केटल है, और टीवी है जो कि हर जगह रहता है, एसी है, और यहाँ पे अच्छा ये तो गेस्ट हैं, और यहाँ पे पुराने ज़माने के किंग भी हैं, हॉटलाइन है, और इस रूम के लिए मैंने पे किया है इंडियन में ये है 1743 रुपये, और नेपाली में ये है कितना आएगा नेपाली में? कंप्यूटर जी हमारे साथ हैं, 2801 रुपये। तो इंडियन में हमारा 1743 रुपये है, और नेपाली में तकरीबन 2800 रुपये के बराबर है। तो 2800 में ये जो रूम है काफ़ी लाजिम है, मैं तो मानता हूँ ये बहुत अच्छा मिला है हम लोगों को, रूम अच्छा मिला है। तो अब आगे मुझे वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम का तो सीन आपको दिखा नहीं सकता, तो चलिए मिलते हैं।